अयोध्या नगरी की पावन धरती पर श्री रामचंद्र मंदिर निर्माण की नींव रखते ही पूरा देश राम भक्ति में लीन हो गया। अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिवाली से पहले ही लोगों ने दीये और पटाखे जलाकर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। पांच सौ साल का इंतजार आखिर खत्म हुआ। हुआ राम लला का वनवास। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अब होगा निर्माण। जोर से बोलो जय श्री राम। सारे बोलो। देश में गूंजे जय श्री राम के नारे। घर घर में जले दिए, मनाई गई दीपावली। जिस दिन का इंतजार राम भक्तों को सदियों से था वो बुधवार को पूरा हो गया। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रख दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में मंदिर की पहली ईंट रखी और पूरी दुनिया जय श्री राम के उद्घोष से गूंजने लगी। 5 अगस्त का दिन करोड़ों लोगों के लिए दीपावली के समान था। ऐसे में मंदिर से लेकर घर, दुकान, सड़क, हर जगह लोगों ने दिए जलाए। मंदिरों में भगवान राम और माता सीता का भव्य श्रृंगार किया गया तो भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन दिखे। सुखद पल है ये, और लगभग 500 वर्षों के बाद और लगभग 3 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद ये ऐतिहासिक पल आया है। समस्त हिंदू समाज के लिए ये विजय का पर्व है। आज मतलब बहुत अरसों से हम लोग का तमन्ना था, मुद्दत था, राम जी 14 साल वनवास किए थे सतयुग में, और ये भटजुग जमाना था, इसलिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, फिर भी हम लोग का जीत हुआ। आज राम जन्मभूमि अयोध्या में शिलान्यास हो गया और हम लोग का भगवान पूर्व में से जो वनवास काट रहे थे आज घर लौटे हैं। सदियों से मंदिर निर्माण का सपना देख रहे राम भक्तों के लिए ये पल किसी त्योहार से कम नहीं है। हर ओर जश्न का माहौल है। लोग अपने घरों के बाहर दीप जलाकर अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। क्या बूढ़े क्या जवान, हर कोई राम की भक्ति में सराबोर दिखा। आज पूरे भारतवासियों को बहुत खुशी है कि सब लोग जो है बहुत प्रसन्न हैं कि राम मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और अगले 2-3 साल में भव्य राम मंदिर बन जाएगा। यही नहीं, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक पार्टियों ने भी जश्न मनाया। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने दीप जलाए और एक दूसरे को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की अपील की थी कि 2 दिनों तक दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, तमाम जनपदों में, गली मोहल्लों में, चाहे वो तमाम तरह के संस्थान हो, सभी जगह दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। तो सुनील बंसल खुद जो है दीपोत्सव के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। बाकायदे दिया जलाया जा रहा है। उस दिया जलाकर जो आज शिलान्यास हुआ है अयोध्या में उसे और ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम लखनऊ स्थित सीएम आवास पर दिए जलाए। इस दौरान सीएम योगी ने पटाखे भी जलाए। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने घर पर परिवार के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक खुशी का इजहार किया। कुल मिलाकर राम भक्तों का सैकड़ों साल का इंतजार खत्म हो गया। भूमि पूजन के साथ ही अब निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ सालों में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जहां रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी और देश में एक बार फिर राम राज की स्थापना होगी। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी और निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।